सबसे पहला जो है सोल प्रोप्राइटरशिप ये क्या होता है? सोल का मतलब सिंगल, अकेला। प्रोप्राइटरशिप मालिक, एक ही बंदा बिजनेस को चलाता है, एक अकेला चलाता है बिजनेस को। मतलब अब बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है अब बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। किसी बंदे ने अपना दुकान खोल के रखा है, अकेला चलाता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। किसी ने कोई ऑफिस खोल रखा है, अकेला चला रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। किसी ने कोई फैक्ट्री खोल रखा है, अकेला सारा कुछ मैनेज कर रहा है, अकेला कंट्रोल कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फीचर्स क्या-क्या आएंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर में सबसे पहला आता है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप वो तो हमने अभी डिस्कशन ही किया। एक अकेला बंदा है, सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, जितना भी पैसा इसमें लगता है कैपिटल, ऑल द कैपिटल इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय ओनली वन पर्सन, ओनली सिंगल पर्सन। चाहे वो उधारी लेकर लगा रहा हो, बोरो करके, या अपने जेब के पैसे लगाकर उसको शुरू कर रहा हो और वो अकेला कर रहा हो, ये एक फीचर है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा फीचर क्या करता है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मतलब इस कंपनी को खोलने और बंद करने में क्या कोई दिक्कत है, या आसानी से खोलना या बंद करने का काम हो जाता है? तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कि आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या फॉर्मेलिटी करना है? अकेले का बिजनेस है, अपने आप को धोखा थोड़ी दोगे। अपना पैसा लगाया है, जान अटकी हुई है, भाई सारा पैसा मैंने लगाया है, तो जी जान से मेहनत करोगे, कमाओगे तुम कमाओगे, गवाओगे तुम गवाओगे, तो इसमें क्या कानूनी दाव पेच हो सकता है? कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता हो। देर इज नो सेपरेट लॉ टू गवर्न दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये है कि इन सम केसेस यू नीड लाइसेंस। अब लाइसेंस तो चाहिए ना कुछ केसेस में, जैसे कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, लोगों को सड़ा हुआ खाना दे दो, तो फिर उसके लिए तो लाइसेंस चाहिए। आप कोई बार खोल रहे हो, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो इस तरीके का कोई भी बिजनेस है, तो वो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज देर इज नो सेपरेट लॉ, देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज। व्हेन एवर यू वॉन्ट यू ओपन इट, व्हेन एवर यू वॉन्ट यू क्लोज इट, इट्स योर चॉइस। तो इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही आसान है। अब जैसे कि बेटा सर व्हाई डू दे नीड लाइसेंस? फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट रेस्टोरेंट। अब एक रेस्टोरेंट है, वो खाना दे रहा है, खाना खिला रहा है। किसको खाना खिला रहा है बेटा? पब्लिक को। तो द गवर्नमेंट विल हैव टू एंश्योर कि वो खाना सही खिला रहा है। यार पब्लिक बीमार हो गई तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। अब अगर आप मान लो कोई केमिकल का बिजनेस कर रहे हो, अब केमिकल तो डेंजरस चीज है, केमिकल से कुछ भी हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा।
अब आप उसका शराब का ठेका जो बार हो रहा है, बार वगैरह खोलना है, ये सब चीज इसमें लाइसेंस चाहिए। हो सकता है कि आप इसमें इलीगल एक्टिविटी में चले जाओ। गवर्नमेंट के लीकर को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के कोई भी चीज है इस तरीके का, हाँ एक बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसमें क्या लाइसेंस की जरूरत है? डिपेंड करता है बेटा कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट आकर बीच बीच में चेक करे कि आप किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपका किचन कितना साफ है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, रियांश यू आर फ्रॉम मालवीय नगर। यस सर। अच्छा आपको पता है या नहीं है, करीबन एक डेढ़ साल पहले सागर रत्न को सील कर दिया गया था, याद है? यस सर। क्योंकि उसका किचन में गंदगी मिला था। हाँ, तो वो गंदा खाना तुमको खिला दे, पब्लिक बीमार पड़ जाए तो फिर जिम्मेदार कौन? फिर तो पब्लिक बोलेगी गवर्नमेंट तो इनके ऊपर नजर ही नहीं रख रहा है या नहीं? तो बेटा गवर्नमेंट को इन्हीं सब कारणों से कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ठीक है। ओके। तो अब उसके बाद से आता है तीसरा फीचर। तीसरा फीचर क्या कहता है? तीसरा फीचर कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो बेटा लायबिलिटी, अब जब हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लायबिलिटी का मतलब हो गया दैट लायबल फॉर डेब्ट्स। मतलब लायबल फॉर डेब्ट्स का मतलब हो गया, लायबल फॉर डेब्ट्स का मतलब हो गया हु विल रिपे। सिंपल लैंग्वेज में समझो हु विल रिपे। अब ये जो लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी दो तरीके की होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी। यस, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि आप जिस कंपनी के मेंबर हो, अगर उस कंपनी को नुकसान हो जाता है, उसके उधारी बहुत है, तो उसके उधारी को चुकाने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आपने उस कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है वही पैसा डूबेगा, आपका बाकी पर्सनल प्रॉपर्टी बच जाएगा। वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी डेब्ट्स होता है उसको रीपे करने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच दिया जाएगा। अभी एक एक करके आते हैं बेटा उसमें। तो बेटा अब यहां पर, अब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब जो मालिक है, अगर उस बिजनेस का कोई डेब्ट है, उधारी है, नुकसान हुआ है, तो जो मालिक है उस मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी भी चला जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, सोल प्रोप्राइटर में क्यों जाएगा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, क्यों जाएगा उस मालिक का अपना खुद का घर क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर ये मालिक सारा पैसा मालिक लगा रहा है, सारा मैनेज वो मालिक अकेला कर रहा है, सारा डिसीजन वो मालिक अकेला ले रहा है, सारा प्रॉफिट वो मालिक के पास अकेला जा रहा है। तो भाई सभी चीज के लिए तो जिम्मेदार एक ही इंसान है, सभी चीज मैनेज करना, डिसीजन लेना, कंट्रोल करना, प्रॉफिट लेना, सब कुछ उस मालिक का है। तो
ये डेप्ट के लिए भी सारी की सारी जिम्मेदारी उसी मालिक की बन जाएगी। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी में अब इसका एग्जांपल मैं क्या दूं बेटा। अब मान लो कि एक इंसान है, पर्सन ए बी सी। इस इंसान ने मान लो एक दुकान खोली, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर खोला उसने, अपना सारा पैसा लगा दिया, उधारी ले लिया, बैंक से उधारी लेके स्टोर खोला, अकेला मालिक है। अब वो स्टोर नहीं चला, अब वो स्टोर नहीं चला यार, डूब गया, लॉस में चला गया। अब जो बैंक से पैसा लिया है वो बैंक पैसा मांग रहा है। अब बोलो ये बैंक को पैसा कौन देगा? बैंक को पैसा ओनर देगा। कौन सा ओनर? जो ओनर उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जो ओनर सारा प्रॉफिट अपने पास रख रहा है, उस ओनर से लेगा बैंक पैसा। अगर उस ओनर का ओनर बोलेगा कि भाई मेरा तो बिजनेस डूब गया, मेरे बिजनेस में जो भी है सब ले जाओ, भाई तुम्हारे बिजनेस की जितनी एसेट्स है ना वो सारा तो बैंक लेगा ही लेगा। अगर उससे पैसा नहीं पूरा हुआ तो वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले लेगा। समझ में आया? क्योंकि लीगली, क्योंकि बेटा लीगली ये डिपार्टमेंटल स्टोर और ये मालिक दोनों सेम हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है बेटा, समझ में आया? सर फिर तो उसे खुलना ही नहीं चाहिए। नहीं बेटा, देखो बेटा, अब बिजनेस जो होता है ना, हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा ना, बिजनेस तो रिस्क होता है बेटा, बिना रिस्क का तो कोई भी बिजनेस नहीं होता। और बिजनेस में रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि बेटा जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस आप कोई भी बिजनेस करो, सोच समझ के करो, सोच समझ के करो। आपने सपना देखा, ठीक है, पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, अच्छी बात है। लेकिन जो भी आइडिया को आप रियलिटी में इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, कम से कम उसका स्टडी कर लो, अच्छी तरीके से मार्केट को समझ लो, तब जाके कैलकुलेटेड रिस्क लो, और रिस्क इतना लो जितना तुम झेल पाओ। समझ गए? Yes, नहीं बेटा, बहुत सारे बिजनेस हैं जहां पर एक ही बंदा चला रहा है, बड़े बड़े बिजनेस हैं जहां पर एक ही इंसान। हाँ हाँ, तो लॉस भी ज्यादा होता होगा। नहीं, डिपेंड करता है ना, ऐसा जरूरी थोड़े है कि वो लॉस में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि देखो बेटा, अब जैसे कि अगर तुम देखोगे धीरू भाई अंबानी की बात कर लो, मुकेश अंबानी का फादर, तो उसने अकेले ही शुरू किया ना, बाद में जाकर उसने ओनरशिप को चेंज किया, शुरुआत तो अकेले में ही किया था। हाँ, तुम बाद में जाकर तुम देखते हो कि यार बिजनेस बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत एक्सपैंड हो चुका है, अब अकेले झेलना मेरे बस की बात नहीं है, तो तुम उसका ओनरशिप का फॉर्मेट चेंज कर दो। ओके सर। हाँ, फोर्थ फीचर इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सारा रिस्क खुद ही झेलता है और सारा प्रॉफिट भी वही लेता है। अब एक बंदे ने देखो बेटा, इतना मेहनत किया है, पता नहीं उस बंदे ने कहां कहां से पैसा जोड़ा है, पैसा जोड़ के एक बिजनेस शुरू किया है। अब उस बंदे ने अपना सारा कुछ दांव में लगा दिया है बिजनेस में। अब जहां पर अनसर्टेनिटी की बात कर दी, मतलब उसने अपना, बेचारे ने सारा पैसा दांव लगा दिया, डूब जाएगा तब तो कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा। बोला था ना, पैसे मत लगा, बोलने वाले बहुत सारे लोग आएंगे।
लेकिन वो बंदे ने तो पैसा लगाया, हिम्मत किया, तो अगर वो बिजनेस चल पड़ा और उसका प्रॉफिट आया तो वो थोड़े ना किसी और के साथ बांटेगा, सारा प्रॉफिट उसी का होगा क्योंकि सारा रिस्क उसने लिया है। रिस्क लेने का कोई तो रिवार्ड होगा, वो रिवार्ड है प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और फीचर है। नंबर 5, वन मैन कंट्रोल। आई डोंट लाइक दिस जेंडर स्पेसिफिक थिंग, वन पर्सन कंट्रोल। आज के दिन में ये नहीं लिखा जाना चाहिए 21st सेंचुरी में, वन मैन वन वुमन नहीं, वन पर्सन कंट्रोल। हाँ, वन पर्सन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? वन पर्सन कंट्रोल का मतलब हुआ कि वो अकेला सारा डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में है, सारा डिसीजन वो अकेला लेता है, उसे किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सर्वो सर्वा है वो बिजनेस के लिए। दिस इज द 5th फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 6th, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस चीज को मैं समझा देता हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी अच्छे से समझ लो क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब ये चीज क्या है? देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि द ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, ओनर हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। जो बिजनेस होता है वो बिजनेस अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकता है, बिजनेस अपने नाम से पेमेंट ले सकता है, बिजनेस अपने नाम से पेमेंट दे सकता है, ले सकता है। बिजनेस जो होता है वो बिजनेस अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मतलब सारा कुछ बिजनेस के नाम से हो रहा है। अब एक चीज बताओ, एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में सारा कुछ बिजनेस के नाम पर हो रहा है, कंपनी ए बी सी इज ऑब्लाइज्ड टू डू दिस थिंग, ऐसा कोई एग्रीमेंट है? तो एग्रीमेंट किसने किया बेटा, इंसान ने या बिजनेस ने? इंसान ने, बिजनेस ने किया। बिजनेस ने क्यों किया भाई? बिजनेस बिजनेस को चला। अब यहां पर बिजनेस क्या होता है, ये बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, कानून के नजर में उसकी अलग पहचान होती है। जब एक बिजनेस के कानून के नजर में अलग पहचान बन जाए तब वो बिजनेस अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, एबीसी कंपनी एंड फलाना इंसान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है, हो सकता है, पेमेंट एबीसी लिमिटेड के नाम से एक चेक दे दो, तुमने पेमेंट करना है, एबीसी लिमिटेड के नाम से ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ने साइन कर दिया, कंपनी के नाम से पेमेंट, कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट, कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम पर फैक्ट्री। तो अब ऐसे जगह में एग्रीमेंट करने वाला बिजनेस, प्रॉपर्टी लेने वाला बिजनेस, पैसा देने वाला बिजनेस, पैसा लेने वाला बिजनेस, तो इससे क्यों पैसे लोगे तुम? समझ रहे हो बेटा? यस 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 सर। तो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कानून के नजर में बिजनेस की अलग पहचान, मालिक अलग है, कंपनी अलग है, मालिक अलग, बिजनेस अलग,
इस चीज को कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक मिनट बेटा, तो इस चीज को कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में वापस आ जाओ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का दुकान मालिक के नाम पर, पैसा मालिक के नाम पर, मालिक पैसा दे रहा है, कंट्रोल मालिक कर रहा है, मतलब यहां पर बिजनेस और मालिक की दोनों की अलग पहचान तो है ही नहीं। तो जहां पर बिजनेस और मालिक दोनों एक ही है, तो वहां पर उस बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, बताओ? नो सर, नहीं होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में यू हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देन सेवेंथ, लैक ऑफ बिजनेस। नहीं बेटा, पार्टनरशिप में भी नहीं होता सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं बताऊंगा जहां पर होगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब, एक बंदा है अमर ने एक दुकान खोला, दुकान बहुत अच्छी चल रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब अमर अपने नाम से पेमेंट देता है, अमर के नाम से ये दुकान है, अमर के नाम से पेमेंट, अमर के नाम से एग्रीमेंट, अमर के नाम से। अब बोलो, अमर का डेथ हो गया, अमर का बेटा है अकबर, अकबर ने बोला मैं दुकान चलाऊंगा, तो भाई ये तो अमर का दुकान है, अकबर कैसे चलाएगा? तो सबसे पहले तो ये जो दुकान है, ये दुकान अकबर के नाम पे करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। फिर इस दुकान का पेमेंट अकबर करेगा, फिर इस दुकान में एग्रीमेंट अकबर करेगा। मतलब आप मुझे बताओ, ये बिजनेस और ये बिजनेस, ये दोनों एक ही है? और भाई पेमेंट करेगा मतलब क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ पेमेंट लेने देने का। तुम मुझे बताओ, ये अमर का बिजनेस और ये अकबर का बिजनेस, दोनों बिजनेस अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? अलग हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक की डेथ हो जाए तो वो बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता है। समझ में आया? हाँ सर, अगर जैसे अमर मालिक से पहले अगर अकबर के नाम कर जाता तो फिर भी तो अलग हो गया ना, फिर अकबर के नाम से सारा कुछ होगा, फिर शॉप बंद होगी या फिर अकबर चला सकता है? अकबर ही चलाएगा शॉप को, बेटा है भाई, चलाएगा, लेकिन वो बिजनेस नया बिजनेस माना जाएगा, पुराना बिजनेस नहीं। तब ये हो जाएगा, अमर नाम का इंसान था, वो इस बिजनेस को चलाता था, अब ये बिजनेस अकबर का है। समझ गए? Yes. हाँ, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उस सोल प्रोप्राइटरशिप में लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है। हाँ, नाम एक हो सकता है। अब जैसे कि बहुत सारे दुकानें हैं ना, ये तुम्हारे पराठे वाली गली में, दिल्ली के पहाड़गंज में पराठे वाली गली में 100 साल पुराना दुकान, मेरे परदादा ने शुरू किया था,
दुकान तो 100 साल पुराना है लेकिन वो बिजनेस नया होता चला गया, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो चला सकते हैं सेम नाम से। देन कम्स नेक्स्ट वन, एट्थ वन, स्मॉल साइज। मतलब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर रिसोर्सेस की कमी होती है। हाँ, क्योंकि यहां पर रिसोर्सेस की बहुत कमी होती है बेटा। एक इंसान अकेले इंसान के जेब में जितनी काबिलियत होगी वो उतना ही पैसा लगाएगा, उतना ही एक्सपेंड कर पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। तो जेनरली जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल स्केल में काम करता है, स्मॉल स्केल में काम करता है। एक बंदा एक दुकान खोला, चलो चार दुकान खोल लिया यार खूब से खूब, उससे ज्यादा नहीं चला पाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये आपको ये सारे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब आ जाते हैं बेटा एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एडवांटेजेस बेटा, सेम नाम से चार ब्रांच कर दे तो चला ही सकता है, और अलग अलग चार कंपनी भी चला सकता है, एक ही बंदा चला सकता है, 10 खोल लो चला सकते हो। ठीक है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सारे कंपनी के तुम अकेले मालिक हो, चला लो। नंबर वन एडवांटेज, क्विक डिसीजन। अब हम मैंने यहां पर तो यह बोला ही था ना बेटा, अकेला इंसान है, किसी से डिस्कशन की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो फटाफट डिसीजन ले लेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहां पर बिल्कुल टाइम नहीं लगता डिसीजन लेने में, नंबर वन। नंबर टू कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहां पर देखो बेटा, सोल प्रोप्राइटर है, मेरा पैसा लगाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने किसी को हिसाब किताब देने की थोड़ी जरूरत है, नहीं है। मैं अपने कंपनी के अकाउंट्स को पब्लिक को थोड़ी दिखाऊंगा, नहीं दिखाना है। मैं तो सिंपल एक इंसान की तरह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा। कुछ कंपनीज में होता है, बाद में हम बात करेंगे, कि उनका पूरा का पूरा अकाउंट, पूरा का पूरा बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है। तो वहां पर तो कोई भी, जहां पर न्यूज़पेपर में छाप दिया वहां पर कॉन्फिडेंशियल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन यहां पर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, तुम्हें किसी से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, एक बंदा अकेला बिजनेस चला रहा है, खुद बिजनेस चला रहा है, तो वहां पर उसे किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, किसी से पूछना नहीं है, वो जो बोलेगा वही फाइनल है। तो ऐसे जगह में, अब इसको इस तरीके से समझो, एक देश में राजा है, किंग, और एक देश में प्राइम मिनिस्टर है। तो राजा को तो किसी से नहीं पूछना ना, वो तो बोल देगा जाओ ये कर दो, इसको मार के आ जाओ। प्राइम मिनिस्टर को बेचारे को अपने सारे मिनिस्टर से डिस्कशन करो, पार्लियामेंट से डिस्कशन करो, तब जाकर डिसीजन लो। तो प्राइम डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, डिक्टेटर में डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता। उसी तरीके से अगर आप देखोगे सोल प्रोप्राइटर में, एक अकेला बंदा है तो उसे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो फटाफट डिसीजन ले लेगा जो भी डिसीजन लेना है। समझ में आया बेटा? यस सर। अब तीसरा चीज, डायरेक्ट इंसेंटिव। ये चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव को हमने डिस्कशन किया है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब सारा का सारा प्रॉफिट अकेले बंदे ने मेहनत किया, अकेले ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, ठीक है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा, उसे किसी के साथ इसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा वो सारा पैसा उसी का।
बेटा रियांश तुम समझे नहीं, बिजनेस का एड डाला है वो अलग चीज है रियांश। एडवर्टीजमेंट तुम दो ना, मेरा बिजनेस ये प्रोडक्ट बनाता है तुमको खुश कर देगा, चलो ऐसा एक एड दे दो, क्या फर्क पड़ता। लेकिन तुम्हारे कंपनी का हिसाब किताब, तुम्हारे कंपनी ने इतना पैसा कमाया, इतना खर्चा हुआ, इससे इतना लेना है, उससे इतना लेना है, इतना प्रोडक्ट बनाया, ये सब चीज का हिसाब थोड़ा ही देना है तुमने। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है बेटा, उनको ये सारा हिसाब कंप्लीट, आपको ये बैलेंस शीट अपने सारे शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट बनाकर भेजना पड़ता है, गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है। तो उस बिजनेस के तो सारे पोल खोल गए, तुमने कितना खरीदा कितना बेचा। Yes, समझ में आया? हाँ। देन कम सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकेला बंदा बिजनेस, अब जैसे कि अब तुम हो, तुम अब क्लास 11th में हो, है ना, अब 10th का रिजल्ट आएगा। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट का क्रेडिट कोई और तुमसे थोड़े ना शेयर कर सकता है, वो सारा मेहनत तुम्हारा सारा क्रेडिट तुम्हारा। तुम्हारे 90% आ गए तो तुम्हारे में सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगा ना, किसी और में, तुम्हारे दोस्त में थोड़ी होगा वाह वाह मैंने अचीव किया, नहीं बोलेगा ना इसने अचीव किया भाई, मेरे दोस्त ने ले आया, ये चीज होगा। तो उसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा है, अकेला मेहनत कर रहा है, अकेला डिसीजन ले रहा है, अकेला बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, और जब बिजनेस का एक मुकाम पहुंच गया, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो तारीफ उसी इंसान को सारा अकेला जाएगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। फिफ्थ वन, इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कानून नहीं है, कोई भी अलग वो नहीं है, क्या कहा जाता है, सेपरेट कानून नहीं बना है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, जब चाहो खोलो जब चाहो बंद कर दो। ये 5 एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। पांचों क्लियर हो गए बेटा? यस सर। यस सर। Then comes disadvantages or demerits. Number one, limited resources. अब limited resources का मतलब क्या है कि भाई अकेला बंदा है, मैंने यही तो बोला था, अकेला बंदा है, उसकी जितनी काबिलियत होगी, उसकी जितनी हैसियत होगी, उतना ही पैसा वो लगा पाएगा, उससे ज्यादा तो वो नहीं लगा पाएगा। जितनी उसकी काबिलियत उतना ही पैसा, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा। तो इसमें रिसोर्सेस की कमी होती है। नंबर टू, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं होती है, अगर मालिक को कुछ हो गया बिजनेस बंद, यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस नहीं होता। दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, कि यहां पर उस सोल प्रोप्राइटर का सारा संपत्ति वगैरह जा सकता है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल भी करना चाहता है ना, बेचारा डर डर के बिजनेस करता है, अरे यार कहीं डूब गया तो, कहीं फंस गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, अरे इतना मैं कैसे झेल पाऊंगा, वो इन्हीं सब चीजों में, हाँ पार्टनरशिप में भी लिमिटेड होती है, वो इन्हीं सब चीजों में फंस जाता है। वो खुले दिल से रिस्क नहीं ले सकता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो रिस्क नहीं ले सकता है, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। मैं अभी बता रहा हूं बेटा। नंबर फोर, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स।
अब इसका मतलब क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स का मतलब, भाई एक इंसान है, एक इंसान को बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। उसे मार्केटिंग आना चाहिए, उसे प्रोडक्शन आना चाहिए, प्रोडक्शन की टेक्निकलिटीज आना चाहिए, उसे परचेज आना चाहिए, रॉ मटेरियल की पहचान होनी चाहिए, वो इंसानों को जो उसके इम्प्लॉयज हैं उसको संभाल सके, ह्यूमन रिसोर्स आना चाहिए, उसको पब्लिक रिलेशंस आना चाहिए, उसको एडवर्टाइजिंग आना चाहिए, उसको फाइनेंस मैनेजमेंट आना चाहिए, उसको अकाउंटेंसी आना चाहिए। आप लिखते चले जाओ, पता नहीं कितने स्किल्स की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस को चलाने के लिए। यहां पर थोड़े ना बिजनेस चलाने के लिए जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वो चला लेगा बिजनेस, वो तो डुबाएगा। मास्टर ऑफ नन का मतलब बिजनेस के लिए आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो, वैसा होना चाहिए, और वैसे स्पेशलाइज लोग बहुत सारे होने चाहिए, तब जाकर बिजनेस एकदम सही तरीके से चलता है। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप अभी है तो छोटा सा बिजनेस है, उतने सारे लोग को लेकर भी नहीं आ सकते हम लोग, तो एक ही बंदा चला रहा है। अब वो बंदा हो सकता है मार्केटिंग में अच्छा है, फाइनेंस में खराब है, हो सकता है वो प्रोडक्शन में अच्छा है, मार्केटिंग में खराब है, हो सकता है। तो यहां पर लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स होता है, यह भी एक डिसएडवांटेज है। समझ में आ गया बेटा? Yes, हाँ। तो यहां पर उसने अपना अपना सर पार्टनरशिप में भी तो लिमिटेड होती है। हाँ, पार्टनरशिप में एक ही जगह लिमिटेड होगा बेटा, लिमिटेड पार्टनरशिप में, वो मैं बताऊंगा दैविक, ओनली वन प्लेस, ठीक है, ओनली वन प्लेस होता है, लिमिटेड होता है, बाकी सब जगह पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप सबको क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया? यस सर। कौन सा पॉइंट दिवकरण? तो वो तो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ आई गया, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन मतलब रिसोर्सेस की कमी है, तो एक्सपेंशन कहां से करोगे? अकेले चलाना है, कितना बिजनेस बड़ा कर लोगे? एक ना एक टाइम तो आएगा जब बोलोगे यार अब नहीं, अब मैं नहीं संभाल सकता, इससे बड़ा बिजनेस नहीं करना है। तो लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सबको क्लियर हो गया? दैविक, दिवकरण, शुभम, कशिश, रियांश, आशीष, जिज्ञासा, आर्यमान, भूमि, रियान, रिद्धिमान, शुभम, स्वयं, हाँ, ओके। नाउ लिसन, सो दैट मीन्स आज के लिए हम यहीं